दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रियलमी XT के बारे में। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में करूंगा रियलमी XT की अनबॉक्सिंग और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको रियलमी XT लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्नोगुरु जी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरे पास रियलमी XT का बॉक्स है। अगर बॉक्स की डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे दो मेन हाईलाइट लिखे हुए हैं जो कि 64 मेगापिक्सल का। इसमें आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है और साथ में बुक फ्लैश चार्जर 3.0 मिल जाता है इसके अंदर। तो मैं तो इस बॉक्स को ओपन और जो कि ऑलरेडी ओपन है और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है बॉक्स को ओपन और सबसे पहले आपको मिलता है एक एनवलप रियलमी की तरफ से। और इस एनवलप में आपको पता ही होगा क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको कुछ मिल जाता है, यूजर मैनुअल वगैरह, क्यूब गाइड वगैरह, और एक मिल जाता है यहाँ पे सिलिकॉन टाइप का ट्रांसपेरेंट केस ब्लैक शेड में। उसके बाद आपको मिलता है एक रियलमी XT फोन। तो फिलहाल के लिए रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि इस बॉक्स कंटेंट में आपको क्या मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे मिल जाता है आपको एक USB पावर अडेप्टर जिसकी आउटपुट रेटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वॉट और 4 एम्पियर की आपको इसके अंदर आउटपुट मिल जाती है। और उसके बाद आपको मिल जाता है एक टाइप सी USB डाटा केबल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइप सी USB डाटा केबल। और देन यहाँ इसमें बॉक्स में आपको मिल जाता है सिम इजेक्टेड टूल। तो फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ इस बॉक्स कंटेंट को साइड में और फिर देखते हैं रियलमी XT का फर्स्ट लुक आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे रैप है, मैं इस रैपिंग को रिमूव कर देता हूँ। और इस रैपिंग में शो किया गया कि इसमें आपको एक नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जिसका मतलब है कि इसमें आप 2 सिम प्लस एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये रहा रियलमी XT की फर्स्ट इंप्रेशन। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे एक लीफलेट है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये है रियलमी XT का फर्स्ट लुक। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग, यहाँ पे आपको 2 कलर मिल जाता है। एक तरफ आपको मिल जाता है पर्पल का शेड और दूसरी तरफ आपको मिल जाता है ब्लू का शेड, जो कि एक 3D कर्व डिजाइन देने की यहाँ पे रियलमी की तरफ से कोशिश किया गया है। और फ्रंट में आपको मिल जाता है एक नॉच डिस्प्ले। तो एक बार मैं कर देता हूँ इस फोन को बूट और फिर बात करते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। उसके बाद मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें आपको सैमसंग का JW1 का सेंसर मिल जाता है। देन आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा और फिर मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस कैमरा जो कि शॉर्ट डिस्टेंस की फोटो लेने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे आपको साइड में मिल जाता है रियलमी का लोगो और यहाँ पे AI कैमरा का एक लोगो मिल जाता है और साथ में LED फ्लैश एक मिल जाता है। और 4 कॉर्नर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कर दिया गया है जिससे आपकी जो ग्रिपिंग होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और जो फर्स्ट इंप्रेशन आप जब यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी प्रीमियम फील होगा। और पीछे की साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लास, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पावर अडेप्टर। और अप साइड की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको एक सेकेंडरी माइक जो कि नॉइज कैंसिलेशन का काम करता है। उसके बाद दोस्तों, आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर डाउन एंड अप का। उसके बाद आपको मिल जाता है सिम स्लॉट जिसमें आप 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक, प्राइमरी माइक और यहाँ पे मिल जाता है टाइप सी जैक और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल। फ्रंट में दोस्तों मिल जाता है आपको यहाँ पे 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जिसकी रेजोल्यूशन है दोस्तों वो है 1080x3240 पिक्सल का। दोस्तों, अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करूँ तो इसमें आपको 91.9% के इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल जाता है। और इसमें आपको मिल जाता है एक ड्यू ड्रॉप नॉच और इसी नॉच के अंदर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सोनी का फ्रंट कैमरा और इसके ऊपर मिल जाता है आपको स्पीकर ग्रिल। फोन ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पे मैं एक बार इसका फेस लॉक और फिंगर लॉक सेट कर लेता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ इसके इंटरनल फीचर की। दोस्तों, फाइनली मैंने फेस लॉक और फिंगर लॉक इसमें सेव कर दिया। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा इसका फेस लॉक कैसे काम करता है और फिंगर लॉक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि एनिमेशन शो कर रहा है जिसे आप सेटिंग से चेंज भी कर सकते हैं। 2 एनिमेशन आपको और मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टच करता हूँ और ये फोन ओपन हो गया। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं और यहाँ पे टैप करना होगा एक बार एनिमेशन के लिए। उसके बाद बहुत ही फास्ट है, आपको टैप करते यहाँ पे ओपन होता है। रियलमी क्लेम करती है 0.34 सेकंड में आपका फोन अनलॉक हो जाता है। एक बार चेक करते हैं फेस लॉक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने फोन को लॉक कर दिया और पावर बटन मैंने दबाया और फेस इसी की तरफ ऑन हो गया। दोबारा से एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों, फेस लॉक भी फास्ट है बट यहाँ पे आपको वॉलपेपर शो करता है देन उसके बाद अनलॉक करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे रियलमी को जो लॉक स्क्रीन से जो वॉलपेपर है उसको रिमूव करना चाहिए तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा रियलमी XT को चलाने में।
दोस्तों अगर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल HD प्लस स्क्रीन, बट यहाँ पे जो प्री ऐप की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐप जो आप इसको यूज़ नहीं करते होंगे वो आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं। हालांकि इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए रियलमी के लॉन्चर में आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद आप जिस भी ऐप को चाहते हैं उस ऐप को यहाँ पे जाके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इसकी बात करूँगा मैं, इसकी रिजोल्यूशन कैसी मिलती है आपको, आपके व्यूइंग एंगल कैसा है, तो एक बार मैं चलते हैं YouTube पे और YouTube पर देखते हैं 4K की वीडियो आपको किस वे में दिखता है और आपकी व्यूइंग एंगल क्या फील होता है। क्वालिटी के देख सकते हैं कि आप किसी भी एंगल में आप इसको देख ले, मुझे नहीं लगता कि आपको Realme XT में व्यूइंग एंगल को लेके कोई भी दिक्कत होने वाली, क्योंकि ये फुल HD प्लस फोन है और 4K वीडियो सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये था इसका व्यूइंग एंगल, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल व्यूइंग एंगल में मैं इसको 5 out of 5 मार्क्स दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये बार चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में चलने के बाद देखते हैं इसमें आपको कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आते हैं अबाउट फोन में, और अबाउट फोन में आने के बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन 9 जो कि पाई है, और इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है दोस्तों वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 712 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। अगर रैम की बात करूँ तो मेरे पास जो वेरियंट है दोस्तों ये वाला 4GB 64GB, इसके दो वेरियंट और आते हैं जो कि 4GB 64GB का जो वेरियंट है वो है 15,999 रुपये का। दूसरा वेरियंट आता है 6GB 64GB का जो कि है 16,999 रुपए का। जो तीसरा वेरिएंट है वो है 8GB 128GB का जिसकी प्राइस है 18,999 रुपए का। और दोस्तों अगर इसकी सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच मिलता है, हालांकि सितंबर चल रहा है तो सिक्योरिटी पैच के मामले में यहाँ पर रियलमी XT पीछे हो जाता है। एक बार इसकी स्टोरेज चेक करते हैं, स्टोरेज अवेलेबिलिटी है इसमें आपको कितनी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एडिशनल सेटिंग में, और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे स्टोरेज में देखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 64GB में से आपको अप्रोक्स 52GB इसमें आपको फ्री मिल जाता है, बाकी यहाँ पे ऑलरेडी प्री ऐप जो यहाँ पे इंस्टॉल है वो यूज्ड हो चुके हैं। और अगर रैम की बात करूँ तो 4 में से आपको 2.15GB ऑलरेडी यूज है, यानी अप्रोक्स 2GB के आसपास आपको रैम भी देखने को मिल जाता है इसमें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक बार कैमरे फीचर की, जो कि इसकी मेन हाईलाइट है, और उसमें देखते हैं कि आपको कैमरे में कौन कौन सी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा 64 पिक्सल का एक ऑप्शन दिया हुआ, नाइट स्केप का दिया हुआ, पैनो एक्सपर्ट, टाइमलेक्स, स्लो मोशन और अल्ट्रा मैक्रो का एक ऑप्शन दिया गया है। बाकी आपको पोर्ट्रेट, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। सेल्फी मोड की बात करें तो यहाँ पे मैं आता हूँ सेल्फी मोड में, और सेल्फी मोड में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो सेल्फी मोड में सिर्फ आपको पैनो और टाइमलेक्स का ऑप्शन मिलता है, ऊपर आप HDR वगैरह का ऑप्शन आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको सेल्फी मोड में मिल जाते हैं। मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल भी शो करूंगा जो कि रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से लिए मैंने, और आप देखें कि इसका कैमरा सैंपल आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर रियलमी XT की बात करूँ तो दोस्तों 16,000 रुपये में 4GB 64GB जो इसका बेस वेरिएंट है वो आता है, और मैं कहूँगा कि अगर आपको रियलमी का फैन है तो आप इस फोन को ले सकते हैं। ओवरऑल पावर पैक फोन है, आप इसको बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।